अच्छा, अभी हम सब यहाँ पे महिला लोग रिलीजन रिलीजन से आए हुए हैं, और हमारा छोटा सा बिनती था जो हमने लेके गए थे एलजी साहब के पास, उसमें 17 पॉइंट्स थे हमारे, जो एलजी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा, और उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट्स है उनमें से वो लोग, उन्होंने ये कहा है कि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे तो कुछ 6 से लेके 5 महीने तक रहेगा करके ये काम जो ख़त्म होने के लिए, तो इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हमने उनके पास लेके गए थे। जैसे कि हमने वुमेन शेल्टर के लिए बात पॉइंट्स रखे थे, और दूसरा हमने ड्रग अब्यूज सेंटर के लिए बात बोला था, और तीसरा जो अभी बुद्धिस्ट का एक लॉ आया है जिसमें लड़कियों के हक में कोई अपने पुरखों की जायदाद से कुछ नहीं मिलने वाले है, इस ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेके गया हमें ऑनरेबल एलजी साहब ने। ये श्योर किया कि आने वाले सालों में ज़रूर इन पे देखेंगे, और एक उनका एक वो टीम बनाना पड़ेगा करके बोला। तो हम इनसे यही उम्मीद रखेंगे कि इस साल एक 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 पॉइंट पे शुरुआत हो जाए तो हम अपने आप को खुशनसीबी समझेंगे इस मामले में। ऑनरेबल एलजी साहब के पास जो ऑल रिलीजियस वुमेन एसोसिएशन है, इन सबने लेके ये जो सारे पॉइंट्स थे, एक तो वुमेन शेल्टर का, एक चाइल्ड क्रेडल सेंटर हो गया, ड्रग डी एडिक्शन का हो गया आपका, और रिहैब सेंटर हो गया, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक था पासिंग ऑफ लद्दाख बुद्धिस्ट सक्सेशन एक्ट ना, अमेंडमेंट एक्ट, जो कि अभी 2019 के बाद जो बुद्धिस्ट वुमेन है उनको एज पर लद्दाख सक्सेशन एक्ट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, हेरिटेजी प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स नहीं है। तो इस एक्ट को अमेंड करने के लिए हमने एलजी साहब को फिर से लेटर दिया था, जो कि हमने पहले भी जो हमारे फर्स्ट एलजी साहब थे उनको भी दिया था, हमने ऑनरेबल सीसी, ऑनरेबल एमपी साहब को भी ये सारा पॉइंट हमने दिया था। तो एलजी साहब ने हमें ये बोला कि ये जितने भी 3-4 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, एंड उसका डिसीजन सिंस लद्दाख का जो यूटी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, तो इसलिए इसका जो भी डिसीजन है वो सारा एमएचए को करना पड़ेगा, तो इन सब पॉइंट्स को लेके हमें एमएचए को जाना पड़ेगा। आप देखना ये कि हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अगर इतने वुमेन लेके हमें दिल्ली जाना पड़ेगा ये सारा पॉइंट्स, तो मतलब ये क्या कितना फिजिबल है, और बाकी वुमेन क्या चाहते हैं, वुमेन ऑफ लद्दाख, ये हम चारों की बात नहीं है, दिस इज़ प्रॉब्लम ऑफ ऑल वुमेन ऑफ लद्दाख, जितना भी लद्दाखी वुमेन है इन सबको इस पॉइंट्स का अवेयरनेस होना चाहिए। आई थिंक उनको अवेयरनेस नहीं है, स्पेशली बुद्धिस्ट वुमेन को अवेयरनेस नहीं है कि उनको उनका प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया है, तो इन सब का अश्योरेंस होना, इन सब का पता होना आई थिंक लद्दाखी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। इसी पॉइंट्स को लेके हम वुमेन इकट्ठे हुए हैं, ऑल रिलीजियस, एंड हमारे सपोर्ट में अदर वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम अगर यहाँ पे नहीं होता है तो हम आगे एमएचए के पास भी हम जाएंगे ज़रूरत पड़ा तो, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द वुमेन ऑफ लद्दाख एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग फॉर देम अंटिल दिस थिंग इज गेट डन। थैंक यू।